देखिए दोस्त, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे EFI से वन क्लिक में लॉक कैसे खोलें। और आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, आज का जो हमारा EFI की क्लास 3 है, पार्ट 3 है, देखिए अप्रैल मई की बुकिंग चालू है। अप्रैल में कुछ सीटें खाली हैं, मई का भी बैच खाली है, ठीक है, मई में भी खाली हैं, लेकिन जो पहला बैच स्टार्ट होगा हमारा अप्रैल का होगा, तो अप्रैल में आप आना चाहते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन करा सकें, इसमें कुछ सीटें खाली हैं, आप एक बार कंफर्म कर लें। मार्च का बैच हमारा चल रहा है, हमारा फ़ीस है 21,000, रहना खाना फ्री। ऑनलाइन का फ़ीस है 3,000। हर महीने की 11 तारीख से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती हैं, 11 से 12 से। आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा सभी को ऑफलाइन के लिए हमारे पास अप्रैल में आने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो सबसे पहले जो हमारा एंड्रॉयड टूल बॉक्स है उसको खोलेंगे। देखिए यहाँ पे इसको मैंने ओपन किया, ये टूल बॉक्स मैंने ओपन किया, फ़ोन यहाँ पे हमारा कनेक्टेड है। इस वीडियो में क्या बताया था मैंने आपको कि इस वीडियो में बताएंगे आपको लॉक किस तरीके से खुल रहा है। यदि ये वीडियो उन्हीं भाइयों के समझ में आएगा जिन्होंने पार्ट 1 और 2 देख रखे हैं अच्छे से, तो ये आपको समझ में आएगा। यदि आपने इस वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो इस वीडियो को भी देखें, लेकिन इसके साथ साथ जो पीछे के वीडियो एक बार उनको क्रम वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो हमारे छोटे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी आपको सारी यहाँ पर देते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो भी फ़ोन है, कोई भी कॉलकॉम का फ़ोन आता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी हम क्या बना रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बाकी के इसकी डिटेल में भी आगे चलेंगे, पार्ट के हिसाब से चलेंगे, लेकिन जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको ध्यान देना है। लेकिन हमारे को मॉडल या किसी कंपनी से मतलब नहीं है, आपको हम जो ट्रिक बता रहे हैं वो काम बता रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर जो भी मॉडल ब्रांड है, देखिए समझाने के लिए इस मॉडल को इसलिए लिया है मैंने क्योंकि छोटी फाइल है, आपको वीडियो भी छोटा बनेगा और आपको समय भी कम लगेगा तो आपको समझने में भी आएगा। तो यहाँ पर क्लिक किए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हमें दूसरी फाइल लगानी है। ये फाइल लगा दी, फाइल लगाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऑप्शन आते हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि हमें फैक्ट्री रीसेट करना है, लेकिन आप गौर से यहाँ देखेंगे, गौर से आप देखिए तो यहाँ पर क्या है हमारा इसके अंदर, देखिए गौर से आप देखें तो जो ये है ना, इस तरीके से नहीं दिख रहा कि आप इस पर क्लिक कर पाएँ। तो यहाँ पर आप इन पर क्लिक, इन पर किसी पर भी क्लिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है, जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है वो अभी बैकग्राउंड में छुपे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको हमें पिन, पैटर्न, FRP जो भी लॉक खोलना है और EFI बॉक्स आपके पास है और आपको ये फाइल लगाना आती है, तो इसके बाद लगाने के बाद क्या करेंगे, जो एक ऑप्शन है इस पर आइडेंटिफाई डिवाइस, इस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देखिए गौर से अभी कुछ नहीं है और यहाँ पर जो फाइल थी वो हट चुकी है। जैसे ही हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रीड होगा और हमारी फाइल यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन अभी क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही तरीके से नहीं किया, तो एक बार फिर आइडेंटिफाई करें इसे, क्योंकि इसके अंदर हमारा ब्रांड मॉडल यहाँ पे सारी चीज़ें आनी चाहिए। यदि फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है तो देखिए नहीं आ रहा। अब एक बार करते हैं फ़ोन को डिसकनेक्ट, डिसकनेक्ट करने के बाद दोबारा से कनेक्ट करते हैं। फ़ोन को कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे हम एक बार फिर से आइडेंटिफाई करेंगे, अभी प्रोसेसिंग में है, अब आइडेंटिफाई करते हैं इसको। देखिए अब आपने देखा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से आती है, प्रॉब्लम छोटी छोटी होती है, यही आपको परेशान है करती रहेंगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें देख सकते हैं आ चुकी है। मैं इस फाइल को इसलिए लगाया हूँ, फिर बता देता हूँ, छोटी फाइल है, जल्दी काम हो जाएगा जो हम वीडियो में आपको समझा रहे हैं। लेकिन आपके पास कोई भी मॉडल आता है तो सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी 1% चेंज नहीं करना। यदि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड टूल बॉक्स, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, ये पार्ट 3 हमारा आपके लिए रहेगा। जैसे हमें कोई भी लॉक तोड़ता है तो हमें सिर्फ लॉक तोड़ने के लिए स्पेशल टास्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको FRP करना है तो FRP कर सकते हैं, क्लियर यूजर लॉक करना है तो क्लियर यूजर, पिन, पैटर्न इनको खोल सकते हैं। यहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, इनके पार्ट जो हमारा जो कोर्स है इसमें पार्ट बनाने के बाद जो चलेंगे डीप में उनके बारे में जानेंगे, लेकिन जो बेसिक है पार्ट 1 पार्ट 2 जो आपको एक स्पीड जो हम बना रहे हैं सिखाने के लिए वो ध्यान देना है। यहाँ पर हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं करने।
जैसे कि फैक्ट्री रीसेट करने से क्या होगा, आपका फ़ोन का जो भी लॉक है वो खुल जाएगा, लेकिन FRP रह जाती है। FRP जो गूगल अकाउंट होता है, जैसे कहते हैं हम क्लियर FRP, जो जीमेल अकाउंट होता है वो लग जाता है इसमें। तो यहाँ पे हम FRP पे या इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यस करना है। कोई भी फ़ोन आता है, जैसे आप यस करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी और कुछ सेकंडों में देखिए डन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, डन हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा FRP डन हो चुकी है। तो UFI के एंडल टूल बॉक्स आप किसी भी फ़ोन का पिन पैटर्न लॉक अनलॉक जो भी करना चाहते हैं, फ्लैशिंग इन्फॉर्मेशन वो आप कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाना चाहिए। आपको यह ध्यान नहीं देना कि हमने क्या मॉडल लगाया है, क्योंकि एक वीडियो है आपको समझाने के लिए, एक डेमो है। आपको हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे लगे हैं और आपको समझ में आया था, ये भी ज़रूर समझ में आएगा। आपके पास कोई भी मॉडल आता है तो वो यहाँ पर आपको पकड़ना है और इस तरीके से फाइल लगाने के बाद में यही काम करने जो मैंने इसमें आपको समझा। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।